पार्ट वन में आपने देखा रेनू अपनी बड़ी भाभी का बात बात पर अपमान करती रहती है। रेनू की माँ भी रेनू की ही साइड लेती है। जब बड़ी भाभी अपनी होने वाली देवरानी के लिए सामान लेकर आती है तो रेनू उसको घटिया बताकर सामान बदलवा देती है। आइए देखिए छोटी बहू के आने पर क्या होता है। देखी थी तूने उसके ड्रेस क्या पहन के आई थी? अरे कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनने चाहिए ना। दो दिन से नेल पेंट भी चेंज नहीं किया मैंने। इस वक्त कौन आ गया? रेनू दीदी कुछ भी पहन के खड़ी हो जाती है, ड्रेसिंग सेंस तो है ही नहीं बिल्कुल भी उसे। रेनू दीदी देखो कोई आया है बाहर। हाँ अच्छा पक्का फोन में लगी होंगी, मुझे जाना पड़ेगा। अरे छोटी भाभी कहाँ गई? वाओ वाओ यार सारे शेड अच्छे हैं, कौन सा लगाऊं? रेनू दीदी ये क्या कर रही हो? भाभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, नेल पेंट लगा रही हूँ। और क्या वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, पर ये जो नेल पेंट लगा रही हो ना वो मेरी है। लो इसमें तेरा मेरा क्या है, मुझे अच्छी लगी मैंने लगा ली। पर दीदी कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए कि भाभी मैं आपकी नेल पेंट लगा लूँ या नहीं लगा लूँ, कम से कम इतनी तो सेंस होनी चाहिए ना। छोटी भाभी एक बात बताऊँ, इस घर में ना मैंने आज तक कभी किसी से कुछ पूछा नहीं है और ना कभी पूछने की जरूरत पड़ी, ना तो कभी मैंने बड़ी भाभी से पूछा और ना उन्होंने कभी मना की। और रही बात आपकी तो मेरे ख्याल से ना आप भी दीदी वो आपकी बड़ी भाभी हैं, आप उनसे जो मर्जी आए वो चीज़ लो, चाहे पूछ के लो चाहे बिना पूछे लो। पर एक बात है ना हमेशा याद रखना, मेरी कोई भी चीज़ बिना मेरी मर्जी के बिना मेरे से पूछे हुए मत लेना, आपके लिए ना अच्छा रहेगा, समझी? भाभी मेरे लिए फटाफट एक कप चाय बना दो। क्या मैं? हाँ तुमसे ही गई है, फटाफट बनाओ। ठीक है मैं चाय बना दूंगी। आप क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? आपको क्या लगता है मैं आपके लिए चाय बनाऊं और आप महारानी बन के बैठ के चाय पियो? ओ हेलो, मैं आपके नौकरानी नहीं हूँ जो आपने ऑर्डर दिया और मैंने कर दिया। मैंने अपने घर में एक गिलास पानी तक का नहीं उठाया और आप मुझसे काम की उम्मीद कर रही हो? रेनू दीदी एक बात गांठ बांध लो, मैं आपकी बड़ी भाभी नहीं हूँ जो आपके कहे में चलूंगी। मैं अपने घर में अपने मन की मालिक थी और यहाँ पर भी रहूँगी, तो मुझसे है ना आप जरा दूर ही रहना, आपके लिए अच्छा रहेगा, समझी? मम्मी कब तक आओगे आप सब? क्यों क्या हो गया? मम्मी यहाँ मेरा ना अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। अरे तेरी छोटी भाभी तो है ना तेरे साथ, बताओ ना कब आओगी? कल तक आ जाऊंगी। ठीक है। काश मैं भी चली जाती शादी में, मम्मी ने इतनी कही पर मैंने एक नहीं सुनी उनकी। नहीं कहा नहीं जाना, सोचा था बड़ी भाभी के साथ बैठेंगे बातें करेंगे बहुत मजा आएगा, पर ये तो एकलखोरी निकली। बस या तो सारा दिन इनका फोन या फिर मेकअप। इनसे तो अच्छी बड़ी भाभी हैं, कम से कम बातें तो कर लेती थी मेरे साथ बैठ के, अब बिना कहे मेरे सारे मन की बात भी जान लेती थी, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनसे। आ गई मम्मी आप, पता आपके बिना ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बड़े भैया और भाभी कहाँ हैं? वो तो गांव में ही रह गए, तेरे चाचा जी ने रोक लिया, कहने लगे बेटा शादी का घर है सारा काम निपटवा के ही जाना, इस बहाने दो चार दिन और रुक जाओगे, इतने टाइम बाद तो आए हो। अब मैं तो आ गई,
मुझे तो तेरी बहुत ही चिंता हो रही थी बिटिया। अच्छा ये बता, ये दरवाजे पे इतना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, कूड़े वाला नहीं आया? मम्मी आता तो रोज था, पर छोटी भाभी कूड़ा डालती नहीं थी। और आपको तो पता है मेरे सुबह सुबह आँख खुलती नहीं है। है कहाँ छोटी बहू? उनके फ्रेंड का फोन आया था, मॉल गई हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग करने बिना पूछे चली गई? तूने मना क्यों नहीं किया? कह नहीं सकती थी कि हमारे घर की बहू ऐसे अकेले नहीं निकलती घर से बाहर? ये तो कह सकती थी कि मम्मी गुस्सा करेंगी। कही थी पर उल्टा मुझे सुना के चली गई। कहने लगी मैंने अपने घर में कभी आज तक नहीं पूछा, यहाँ तो जरूर पूछूंगी। मैं वहाँ भी अपने मनमर्जी की मालिक थी और यहाँ पर भी मनमर्जी की मालिक हूँ, मुझे किसी से ना आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। और मुंह फुलाकर चली गई। क्या उसकी इतनी हिम्मत? आने दे उसे, उसकी अकड़ तो मैं ढीली करती हूँ। बड़े बाप की बेटी होगी अपने घर में, यहाँ मेरा राज चलता है और मेरा ही चलेगा।